हम इतना महंगा। और ये क्या है भाई, ये कोई टीना टप्पर वाली गाड़ी है क्या? सस्ता ही स्पोर्ट कार भाई, इससे अच्छा तो मैं बैलगाड़ी चला लूं। बाप रे, 5,72,000! ये कार में ऐसा क्या है भाई, अगर मैं इसको खरीद लिया मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा और कोई खरीदेगा नहीं, ऊपर से वो बात अलग है। तो भाई मेरा सपना था यार कि मैं खुद का एक शोरूम खोलूँ गाड़ियों का, लेकिन जो कि पूरा नहीं हो पाया था, जिसके वजह से मैं चला गया था अपने रेंच में और खेती बाड़ी करने लग गया था भाई। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम हमारा जो सपना है उसको पूरा करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम खेल रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। इसमें क्या करना है अपने को कि अपने को नेबरहुड में जाना है और वहाँ से भाई जो थोड़े पुराने कार हो गए वो सारे कार को ख़रीद के मॉडी करना है। उसके बाद वो सारे जैसे डैमेज होंगे, कोई कार में पेंटिंग की ज़रूरत होगी, तो सारे कार को अपने को इकट्ठे करना है और अपना ये जो ऑफिस है ना इसके बाहर इधर मेरे को ला के पार्क करना है, ताकि जो हमारा कस्टमर आए तो कस्टमर को बेच ले सारी कार। तो चलो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो ऑफिस है ना उसका नाम रख लेते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई कि अपना नाम एकदम यूनिक रहना चाहिए, इसलिए बच्चा याद आओ। तो चलो साइज़ तो बढ़िया है और मैं कोई भी कलर नहीं देना चाहता फिलहाल। और जैसा अपना ऑफिस है, ऑफिस तो ठीक ही ठाक दिख रहा है वैसे, कोई टेंशन नहीं। तो चलो अपना जितने भी सारे ऑफिस के काम हैं सारे काम को मैं अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो बाहर से कैसा दिख रहा है, बच्चा यादव। यहाँ मेरे को कार्स भी लिखना पड़ेगा, तो चलो सीधा चलते हैं। और जाने से पहले आपको दिखाता हूँ, ये रहा अपना रिपेयरिंग गैराज और ये भी रहा ऑटो रिपेयर। जितने भी सारे अपन गाड़ी लाएंगे ना पुराने, जैसे कोई डैमेज होगा ना गाड़ी तो उसको यहाँ बनवाएंगे, और किसी गाड़ी में अगर पेंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यहाँ रखेंगे। और वैसे मुझे इसमें वो नहीं दिख रहा है भाई कि जैसे अपनी गाड़ी गंदी हुई तो उसको कहाँ बनवाएंगे, तो चलो वो तो बाद में गंदी होगी ना, उससे पहले अपने को नेबरहुड जाना पड़ेगा। तो आ चुके अपन फाइनली नेबरहुड में और मुझे सामने ही एक कार का मालिक दिख रहा है। और भाई यहाँ कार का मालिक भाई मतलब कार तो ऐसे बेच रहा है जैसे कोई सब्जी भाजी बेचने बैठा हो। अनअप्रूव, तो अपने को ये चेक करना पड़ेगा। ये अपने को कितने में दे रहा है, 2,740 डॉलर का ये गाड़ी, या 2,000 का? भाई गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चल चुकी, इसका अपने को ज़्यादा प्राइस नहीं मिलने वाला जब अपन इसको मॉडी करके भी बेचेंगे उसके बाद। अरे 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 अरे, कोने में इधर एक और गाड़ी वाला बैठा है अपने गाड़ी का बोली लगाते हुए। ये गाड़ी तो ठीक दिख रही, लेकिन मेरे को लग रहा है भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी गाड़ी है। ये आंटी है ये तो, हेलो आंटी, 1995 की गाड़ी रखते हो आंटी और उसका इतना ज़्यादा प्राइस बताते हो, कोई सेंस है इस बात की? अरे अरे, इधर गाड़ी दिख रही भाई मेरे को, ये कार कौन सी है, कोई सुपर कार तो नहीं है भाई? मुझे लग रहा है गाइस ये कोई सुपर कार है। वैसे मुझे सुपर कार के बारे में उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो इसको ये क्या देख रही है, थोड़ा अच्छे से बात कर लो मैडम। 73,000 डॉलर! मैडम आप और आपकी गाड़ी दोनों ही हमारे औकात के बाहर है। और ये अंकल आ चुके हैं, अंकल 100-200 में दोगे क्या? 24,000! काफ़ी ज़्यादा अमीर अमीर भरे हुए हैं इधर, तो सेकेंड हैंड गाड़ी को भी 70,000, 73,000, 24,000, 50,000 ऐसे बोल रहे हैं भाई। मेरे पास नया गाड़ी ख़रीदने के लिए भी सिर्फ 7,500 डॉलर। ये कार भी अच्छी है, इससे बात करते हैं, 2007 का, 30,000 चलिए गाड़ी, 6,855। भाई इतने में अपने को दो गाड़ी ख़रीदने और दोनों को बेचना है, फिर पैसा कमाना है, उसके बाद बाकी का गाड़ी और ख़रीदना है जब अपन थोड़े बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। तो वैसे नया बिज़नेस है तो भाई थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो ये मिली अपने को भंगार, काफ़ी ज़्यादा पुरानी गाड़ी, इसको अपन ले जाएंगे और दो तीन जो बूढ़े टाइप के कस्टमर होंगे ना जिनको ज़्यादा गाड़ियों के बारे में समझ नहीं होगी उनको चिपका देंगे भाई। तो ये आंटी अपने को दे रही 1974 का। तो चलो गाइस, अपने पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई, अपने को अपना बिज़नेस आगे भी बढ़ाना है, तो ये वाली गाड़ी को मैं ख़रीद चुका हूँ, सीधा इसको पहुँचा देता हूँ अपना रिपेयर शॉप में। और इधर ये ट्रक का कैसे दिया ये, ओ हेलो मिस्टर, ये ट्रक कैसे दिए? 5 रुपये के, 375 डॉलर! ये तो ख़रीद लेता हूँ, वैसे 2001 की गाड़ी ये ट्रक, 300 मतलब 2000 में तो चली जानी चाहिए भाई ये गाड़ी। ठीक है, इसको भी सीधा अपने शोरूम में पहुँचा देता हूँ मैं। ठीक,
तो फिलहाल तो अपन ये एक और गाड़ी खड़ी इधर, तो इसको भी अपन चेक कर लेते कि कितना में देगा ये। दो 2800 डॉलर ये सड़ी गाड़ी के लिए। इसमें मेरे को मॉडिफाई भी करवाना पड़ेगा उसको, जितने भी सारे डैमेज हो गए उसको भी ठीक करवाना पड़ेगा। तो भाई मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता भाई। तो चलो, दो गाड़ी अपन खरीद चुके जिसमें से एक कार था और दूसरा ट्रक था, तो सीधा अब चलते अपने ऑफिस और उसके बाद चले जाएंगे जो अपना रिपेयर शॉप है ना, वहाँ गैराज में। फिर मैकेनिक को भाई मेरे को ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो अपन भंगार खरीद के लाया है ना उसको कैसा बनाना पड़ेगा। अपना ऑफिस तो सीधा चलते अपने। अरे अरे अरे, अपन दो गाड़ी खरीद ली क्या? अरे 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 भाई, ये ट्रक क्या हो रहा है? तो इसमें मेरे को बैठना पड़ेगा और इसको थोड़ा बाहर ले जाना पड़ेगा। पता चल रहा है तुम टकरा गए और हमारा जो हिस्सा हो गया इतना जो महंगा महंगा खरीद के लाए हैं। तो चलो, सबसे पहले ये वाली गाड़ी में डैमेज देखते भाई कि इसमें डैमेज क्या क्या है। अरे भाई, इसका तो हर चीज़ डैमेज है। सामने का जो बोनट है वही डैमेज है और फेंडर भी डैमेज है, बैक का फेंडर भी डैमेज है। फ्यूल तो 80-80%, डर्टी 31%, पेंट तो खैर इसका जो रूफ है वो हो गया है। तो चलो, ये वाले मैकेनिक को काम दे देते भाई, पूरा तो रिपेयर करना ही पड़ेगा। 640 डॉलर लग रहे हो और अपने को ये वाले गाड़ी को बनवाने में। ओ भाई भाई भाई, ये स्पेशल बना रहा है गाइस, देखो आग के गोले भी गिर रहे इधर से। तो चलो, ये वाला मैकेनिक अपना खाली है, तो ये कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में पहले अपन चेक कर लेते हैं भाई, कितना टाइम लगेगा। 32% हुआ है अभी, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। और मैं सोच रहा हूँ तब तक अपना ये ट्रक को भी ला लूँ क्या। मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले इसको भाई इधर ये वाला जो अपना गैराज है ना इसमें ले जाते हैं और ये मैकेनिक से बात करते हैं कि क्या। दो मिनट दो मिनट दो मिनट, पहले इसका कंडीशन देखते हैं भाई। ये पूरा ट्रक ही पूरा डैमेज है, रिसान बॉक्स ट्रक। राइट का डोर डैमेज है भाई, लेफ्ट राइट का तो आगे पीछे दोनों डैमेज है। 12-12% डैमेज है पूरा। बैक का जो डिक्की डैमेज है, इसलिए भाई वो जो दादी अम्मा थी अपने को बना गई, काट दी अपने 200-300, मतलब भंगार की। यहाँ अपग्रेड कर पाएंगे अपन तो, यहाँ मेरे को ट्रक को बिल्कुल किसी भी तरीके से अपग्रेड नहीं करना है। रेसिंग किट विट नहीं लगाना है मेरे को, अपने ट्रक को भाई Formula 1 रेसर में नहीं दौड़ाना है। तो सबसे पहले मैं, अरे अरे अरे, तो सबसे पहले ये वाले ट्रक को सीधा मैं लेफ्ट वाला जो अपना मैकेनिक है ना इसके पास, अरे 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 अरे, लेफ्ट मैकेनिक है ना इसके पास लेकर छोड़ता हूँ। ऐसा चालू तो करना पड़ेगा, को लेकर चलना पड़ेगा अपने ऑफिस में भाई, आराम से, बिल्कुल भी डैमेज ना हो। अपना जो ड्रिफ्ट है वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ इसको अपन खड़े करते हैं और अंदर जाके सीधा लगाते हैं इसको सेल पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन से। तो चलो, ये रहा अपना, और इसका फ़ोटो तो भाई अपने पास नहीं है। ठीक है, अपने को अगर फिलहाल तो अभी फ़ोटो नहीं है, अगर अगर कोई कस्टमर आएगा तो अपन भेज देंगे। वैसे ये गाड़ी अपने को मिली 2300 डॉलर का, तो अपन ख़रीदे हैं 640 डॉलर इसमें खर्चा किए हैं, तो टोटल कितना हो गया, 3000 डॉलर के आसपास। तो मैं सोच रहा हूँ इसको 6000 डॉलर में अपन सेल में लगा देते हैं। अगर कोई आएगा बार्गेन करेगा भाई तो अपन कम में भी बेच सकते हो, उतना ज़्यादा कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। अपना कस्टमर आने लगे हैं भाई, बढ़िया बढ़िया गाइस, इतने सारे कस्टमर है एक कार को देखने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है अपन कोई काफ़ी ज़्यादा सस्ता में तो नहीं निकाल दिया अपना जो कार, काफ़ी ज़्यादा सस्ता प्राइस तो नहीं लगा दी 6000। 2 मिनट सर, बाकी लोग कितना दे रहे हैं मेरे को देखना पड़ेगा। आई डूड भाई, 6000, मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि मैं अपनी पहली गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस में बेच दिया। और ये देखो इसका फेस कितना ज़्यादा डरावना दिख रहा है। अंकल आप थोड़े प्रोफेशनल टाइप दिख रहे हो, मैं आपको अपना कार बेचता हूँ। तो चलो, इसको बेच देंगे अपन 6000, ठीक है, वैसे काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस रख लिया मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब अगली बार अपन कार खरीद के लाएंगे ना, तो भाई उसका थोड़ा ज़्यादा प्राइस रखूँगा ताकि कस्टमर्स मेरे से बार्गेन करें। भाई कस्टमर इतने लापरवाह है ना, मतलब आते हैं अपने शोरूम में देखने के लिए। भाई ये कचरा शोरूम नहीं है भाई, गाड़ियों का शोरूम है, यही कचरा फैला के चले जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल भी नहीं अपनाते। तो चलो, अपना जो ये वाला ट्रक है उसको अपन देखते हैं कि इसको अपन खरीदे 375 डॉलर में, 2001 का वो है भाई, 1,30,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको 2000 डॉलर में निपटाने का, कोई अगर
आंटी आई तो आंटी लोग को वैसे भी ज़्यादा गाड़ियों के बारे में पता नहीं होता, तो अपन एक आध दो आंटी को भेज देंगे वैसे। तो जैसे जैसे हम काफ़ी सारे कार खरीदते जाएंगे ना, अपने को आइडिया लगते जाएगा भाई कि कार के बिज़नेस में एक्चुअल में करते कैसे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अपना जो $375 है ना, वो फंसे मत इस ट्रक के चक्कर में। पता चल रहा है इसको अगर कोई खरीदे, अगर नहीं तो अपने अपना जो काम है वो फंस जाएगा। द कार मार्केट प्लेस इज ओपन लिखा है, तो चलो सीधा जाके आपको दिखाता हूँ कि अपन और सारे कार को कहाँ बेच सकते हैं। तो ये रहा कार का मार्केट प्लेस। तो देखो यहाँ काफ़ी ज़्यादा कार लगती है, ये रहा काफ़ी सारे कार। ये आइसक्रीम वाला भी बेच रहा है भाई, आइसक्रीम का ठेले को बेचने के लिए तो नहीं है। ये कितने में बेच रहा है इसको, 9600। हम इतना महंगा, और ये क्या है भाई, ये कोई टीना टप्पर वाली गाड़ी है क्या? सस्ता ही स्पोर्ट कार भाई, इससे अच्छा तो मैं बैलगाड़ी चला लूँ। बाप रे, 572,000। ये कार में ऐसा क्या है भाई, अगर मैं इसको ख़रीद लिया मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा और कोई ख़रीदेगा नहीं ऊपर से, वो बात अलग है। तो भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट में कुछ भी बता दिया करो जो आपको ठीक लगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और देखो हमारा जो बच्चा यादव शोरूम है वो तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है।